नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो भाई जब हम डिस्कस कर रहे थे खरपतवार के बारे में, इसके तीन पार्ट हमने देख लिए थे, उसके लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन एक बार अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो तीन पार्ट हमने बनाए उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था खरपतवार की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। सेकंड में देखा था खरपतवार की मुख्य विशेषताओं के बारे में, थर्ड में हमने देखा फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था और वो था जीवन चक्र के आधार पर या फिर आयु के आधार पर। तो गाइस उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक वर्षीय, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, खरपतवार को अपने 5 से 6 भागों में डिवाइड किया था, बीज पत्र के आधार पर, आयु के आधार पर, प्रकीर्णन की क्रिया, जलवायु एवं मृदा के आधार पर, फसल संबंध और खरपतवार संबंध के मध्य रिलेशनशिप जो होता है, इसी प्रकार से कुछ इसके 5 से 6 क्या थे क्लासिफिकेशन थे। आज का जो होगा हमारा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में यदि कंप्लीट क्लासिफिकेशन में बात करें तो सबसे ज्यादा इसी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। तो गाइस एक तो क्लासिफिकेशन हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। आज का जो क्लासिफिकेशन होगा हमारा सेकंड, वो है फसल व खरपतवार के मध्य संबंध। गाइस ये वाला टॉपिक है ना, इस टॉपिक से 12th क्लास में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे अभी 2020 में जो बोर्ड क्लास हुई थी आरबीएससी, 2020 का जो एग्जाम हुआ था इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बात करें ZISR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन खरपतवार में से उठते हैं ना, यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन उठते हैं गाइस। और इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए यह जो टॉपिक है ना गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस शर्त यह है कि आप कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखें और आपके हाथ में कलम और नोटबुक अवश्य होने चाहिए, उससे क्या होगा आपको दुगना याद होगा। दुगना ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़ा दिया उससे भी ज्यादा हो, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए फसल वो खरपतवार, खरपतवार भी पौधा होता है और फसल भी क्या होती है, एक पौधा होता है। तो इन दोनों के मध्य जो रिलेशनशिप होता है ना वो कैसा होता है, उनसे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए गाइस जो फसल वो खरपतवार के मध्य जो संबंध है वो यहाँ पर इसको भी कुछ पार्टों में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पर नाम देख लेते हैं एक बार, फिर उसको अपने एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें निरपेक्ष खरपतवार, पहला खरपतवार क्या है, निरपेक्ष खरपतवार। अब जो निरपेक्ष खरपतवार है इसको हमने एक दूसरा नाम और दिया, वो है वास्तविक खरपतवार, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीड। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपको हिंदी वर्ड ना दे कि इंग्लिश वर्ड आपको डायरेक्ट दे देगा और पूछ लेगा कि इस पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। सेकंड है सापेक्ष खरपतवार, सेकंड क्या है सापेक्ष खरपतवार। अब सापेक्ष को क्या कहते हैं, रिलेटिव, सापेक्ष को क्या कहते हैं गाइस, रिलेटिव वीड, ठीक है। थर्ड है नकलची खरपतवार, थर्ड कौन सा है गाइस, नकलची खरपतवार। अब गाइस नकल जो करते हैं हम, कॉपी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिमिक्री, क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं, ठीक है गाइस। फोर है नकलची हो गया, अब है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार कौन कौन से हैं, इसको कहते हैं अपन विशेष को स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेटिक, ठीक है गाइस, क्लाइमेटिक वीड्स, स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेटिक वीड्स, इसको क्या कहते हैं अपन, खरपतवार कहते हैं। फिर है गाइस अवांछित, अवांछित, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट,
अवांछित खरपतवार, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोग्यू। गाइस ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्योंकि आपको ये वाला वर्ड ना देते ये वाला दे देगा, पूछ लेगा कि रोग्यू खरपतवार क्या है। लास्ट है परजीविता के आधार पर, या फिर परजीविता के आधार पर, या फिर परजीवी खरपतवार भी इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस ये है फसल व खरपतवार के मध्य संबंध, निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, इसको अपन एब्सोल्यूट कहते हैं, इसको रिलेटिव कहते हैं, नकलची को अपन मिमिक्री कहते हैं, विशेष सूक्ष्म जलवायु को स्पेसिफिक माइक्रोक्लाइमेटिक कहते हैं, अवांछित को रोग्यू कहते हैं, और परजीविता के आधार पर। तो भाई सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ये क्या है हमारा एक अच्छा फैसला है इनको याद करने का। कहते हैं कि बिना पतझड़ के नए पत्ते नहीं आते, बिना पतझड़ के नए पत्ते नहीं आते, और बिना संघर्ष और बिना कठिनाइयों के अच्छे या सरल रास्ते नहीं मिलते। ठीक है गाइस, जैसे पतझड़ आती है तो पतझड़ में क्या होते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। उसी प्रकार यदि आप संघर्ष नहीं करोगे, कठिनाइयों को यदि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनका उनका संघर्ष करोगे, तभी आपको क्या मिलेगी, एक सफलता मिलेगी। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी कठिनाई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई और पीछे हट जाते हैं और बोल देते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा। तो वह जैसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, कठिनाइयों का सामना करना है और हमें क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। और ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बहुत कहते हैं कि जो महामारी आई है, वैसे तो ये सभी के लिए क्या है, नुकसानदायक है, लेकिन आपके लिए क्या है, थोड़ी लाभदायक, क्योंकि आपको एक अच्छा टाइम भी मिल गया। ठीक है ना, तो आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। यदि इस वैकेंसी में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो गाइस फिर तो आप मान लीजिए कि आपकी जो तैयारी है ना वो बेहतरीन नहीं हो सकती। इतना आपको अच्छा टाइम मिल गया फिर भी आप तैयारी नहीं कर रहे, तो फिर जेट आई शेयर बी एच यू, क्योंकि आपसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो आपसे क्लियर कभी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ऐसा है कि प्रॉपर टाइम दीजिए अपने आपको, टाइम पास से ज्यादा स्टडी को टाइम दीजिए। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर निरपेक्ष खरपतवार या फिर वास्तविक खरपतवार, और उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। तो देखिए निरपेक्ष से नी निकालो, नी का मतलब क्या होता है, अलग होना। नी का मतलब क्या होता है, अलग होना। अब अलग होने का मतलब क्या हुआ, अलग होने का मतलब होगा कि यहां पर एक तो रबी की फसल होगी और एक किसकी फसल होगी, खरीफ की फसल होगी। किसकी फसल होगी, खरीफ की। तो रबी की फसल यदि खरीफ का खरपतवार उग जाए, रबी की फसल में खरीफ का खरपतवार उग जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। सीधा सीधा ध्यान रखना, नी का मतलब है अलग अलग। ठीक है, तो रबी की फसल में यदि खरीफ का पौधा उग जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष। अब ये जो खरपतवार है, ये फसलों को सबसे ज्यादा इससे हानि होती है, फसलों को सबसे ज्यादा हानि किस खरपतवार से होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि खरपतवार में सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो किन खरपतवार से होती है, वो निरपेक्ष खरपतवारों से होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि इस खरपतवार में एक वर्षीय खरपतवार भी आते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार भी आते हैं, और बहुवर्षीय खरपतवार भी यहां पर आते हैं। अब हमने जीवन चक्र के आधार पर देखा था एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय। एक वर्षीय में खरीफ वाले देखा था और रबी वाले, उन सभी के बॉटनिकल नेम, विद बॉटनिकल नेम और उनके नाम मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया था, तो आप यहां से इनको देख सकते हो। तो फसलों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्यों हुए, क्योंकि ये एक वर्षीय भी होते हैं, द्विवर्षीय भी इसमें उपस्थित होते हैं, और बहुवर्षीय खरपतवार भी इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मोथा, सांवा, बथुआ, ये सभी क्या है, इसमें एक वर्षीय भी है और बहुवर्षीय खरपतवार भी आते हैं। तो गाइस ये आपने देखा फसल व खरपतवार संबंध के मध्य संबंध में पहला निरपेक्ष खरपतवार। नी का मतलब अलग होना, इसमें रबी और खरीफ दोनों के खरपतवार सम्मिलित होते हैं। अब सेकंड देखते हैं गाइस, सापेक्ष खरपतवार। सेकंड क्या है हमारा, सापेक्ष। और सापेक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटाफट बताइए क्या कहते हैं गाइस, अभी मैंने बताया, बताइए मन ही मन में इसका आंसर दीजिए, क्या है सापेक्ष को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, रिलेटिव कहते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार। और सापेक्ष खरपतवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव वीड। क्या कहते हैं गाइस, रिलेटिव वीड्स। अब देखिए
यहां भी क्वेश्चन में आंसर और रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। सह का मतलब क्या होता है? समान। सह का मतलब क्या होता है यहां पर? समान। अब समान क्या हुआ? समान यहां पर वही चीज, जैसे उसमें असमानता निरपेक्ष में अलग अलग था, इसमें क्या हुआ? समान। यहां पर रब्बी की फसल में रब्बी का पौधा उग जाए, रब्बी की फसल में यदि रब्बी का पौधा उग जाए उसे अपन क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। अब रब्बी की फसल में रब्बी का पौधा कैसे उगेगा? मान लीजिए पिछली साल, पिछले वर्ष में हमने रब्बी की फसल में लगाया चना, क्या लगाया? चना। और अब की बार जो लगाएंगे रब्बी की फसल में इस वर्ष, वो किसकी फसल लगाएंगे? गेहूं की। किसकी फसल लगाया? गेहूं की फसल हमने लगाई। तो चना भी किसकी फसल का, कौन सी ऋतु का है? सॉरी, रब्बी की फसल का है। और गेहूं भी किसका है? रब्बी की फसल का पौधा है। अब ये चना हमने उगाया थोड़ी, क्यों उगाया थोड़ी नहीं, पिछले साल हमने उगाया था और उस खेत में कुछ इसके बीज रह गए थे, और जब गेहूं की फसल लगाई तो उस समय ये पौधे स्वतः ही अपने आप उग गए, तो उगाया नहीं और स्वतः ही उग गए, लेकिन है दोनों किसके? रब्बी की फसल के, समान है। तो पिछली साल जो हमने फसल लगाई उसका पौधा नेक्स्ट ईयर गेहूं की फसल के साथ उग जाए, वही क्या है? सापेक्ष खरपतवार। मतलब सीधे से ध्यान रखना कि रब्बी की फसल में रब्बी का पौधा उग जाना ही क्या है? सापेक्ष खरपतवार। ठीक है गाइस, अब है नेक्स्ट अवांछित। अब अवांछित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटाफट मुझे बताइए, अवांछित को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार गाइस को क्या कहते हैं अपन? रोग्यू। अवांछित फसल हो गई और इसको क्या कहते हैं? रोग्यू। अवांछित खरपतवार को क्या कहते हैं? रोग्यू। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ, अवांछित तो वो हो गया, खरपतवार हो गया जो बिना इच्छा के स्वतः ही उग जाए, ठीक है ना, और फसल को लाभ की तुलना में क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं, वही चीज क्या है? अवांछित खरपतवार। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए इसमें रब्बी की फसल में हमने लिया गेहूं, क्या लिया? गेहूं, ठीक है, और गेहूं की वैरायटी लगाई हमने लॉक फर्स्ट, कौन से लगाई? लॉक फर्स्ट। रब्बी की फसल ली, रब्बी की फसल में हमने, यहां पर खरीफ भी ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि यहां पर रब्बी हो, ठीक है, गेहूं ली, गेहूं में कौन सी वैरायटी हमने खेत में लगाई? लॉक फर्स्ट वैरायटी हमने यहां पर लगाई। मान लीजिए ये अपना क्या है, ये फील्ड है, क्या है गाइस? ये अपना फील्ड है, इसमें हमने गेहूं की वैरायटी लगाई, कौन सी? लॉक फर्स्ट। कौन सी लगाई? लॉक फर्स्ट, ये वैरायटी लगा दी लॉक फर्स्ट। अब इस वैरायटी में एक, सॉरी, इस खेत में एक वैरायटी स्वतः ही अपने आप होगी HD2329, ये भी किसकी वैरायटी है? गेहूं की। दोनों ही वैरायटी किसकी है? गेहूं की, लेकिन हमने खेत में कौन सी वैरायटी लगाई थी? लॉक फर्स्ट वैरायटी लगाई थी, लेकिन स्वतः ही कौन सी वैरायटी के पौधे कुछ मात्रा में उग गए? यहां पर मान लीजिए ये किसके पौधे उग गए, इसके बीच बीच में कुछ 2, 4, 5, 7 HD2329 के पौधे स्वतः ही उग गए, और ये HD2329 के पौधे क्या हो गए? अवांछित हो गए, या फिर कह सकते हैं रोग्यू हो गए। तो गाइस आपको ऐसा भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है यदि डीप में देगा, मान लीजिए किसी खेत में हमने लॉक फर्स्ट वैरायटी लगाई और उस वैरायटी के साथ में HD2329 के पौधे कुछ मात्रा में स्वतः ही उग गए, तो ये कौन सा खरपतवार होगा, या इसे किस किस नाम से डिफाइन करेंगे? तो ये कौन से पौधे होंगे? रोग्यू पौधे होंगे। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है गाइस नकलची खरपतवार। नेक्स्ट कौन सा है? नकलची। तो नकलची मृत्यु में सीधा सीधा आंसर है क्वेश्चन में ही, नकलची खरपतवार। और नकलची खरपतवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिमिक्री। क्या कहते हैं गाइस? मिमिक्री। अब गाइस आपने देखा होगा कि जैसे टीवी में देखा होगा या फिर यूट्यूब पे कहीं पर भी देखा होगा आपने, जैसे कोई हीरो है, अमिताभ बच्चन ले लो आप, ठीक है, अमिताभ बच्चन की कोई दूसरा कैंडिडेट उसकी जो सेम आवाज है और उसका तरीका है बोलने का, वो क्या करता है? उसको बोलता है, जिसे अपन कॉमेडी के रूप में डिफाइन करते हैं। किसी अदर इंसान की कोई दूसरा या फिर मिमिक्री, उसकी नकल निकालें, चलने में, ढलने में, खाने में, पीने में, बोलने में, वही चीज क्या है? नकल। और उसे अपन क्या कहते हैं? मिमिक्री। क्या कहते हैं गाइस? मिमिक्री। तो नकल से में क्या होगा, मान लीजिए गेहूं का, तो गेहूं की, अब इसमें थोड़ा इससे पहले अपन देखते हैं, अब इसमें जो पौधे होंगे मुख्य फसल का और खरपतवार का पौधा, उनमें क्या होगा? रंग, रूप, आकार, आकृति। रंग, रूप, आकार, आकृति, ये सभी क्या होंगे? समान होंगे।
खरपतवार के पौधे का भी और मुख्य फसल के पौधे का भी रंग रूप आकार आकृति क्या होगा? समान होगा। फॉर एग्जाम्पल पर देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार क्या है? गेहूंसा। अब गाइस गेहूंसा का जो मैंने पहले आप बता दिया है, गेहूंसा का अन्य नाम है गुल्ली डंडा। क्या है? गुल्ली डंडा। फेलेरिस माइनरिस का क्या है? बोटनिकल नेम है, फेलेरिस माइनर हो गया। केनरी घास, केनरी घास इसका नाम हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, गेहूं का मामा हो गया। तो गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार क्या है? गेहूंसा। अब जैसे गेहूं की जितनी लंबाई होगी उतनी किसकी लंबाई होगी? गेहूंसा की होगी, ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है थोड़ा, तो इसका भी कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। लंबाई इसकी इतनी है तो इसकी भी कितनी होगी? इतनी ही होगी। जड़े इतने गहराई में जाती है तो जड़े भी कितनी गहराई में जाएंगे? सेम। मतलब इसमें जो क्रियाएं जो हो रही है एक्चुअल में इसमें भी क्या होंगी? बिल्कुल सेम एज इट इज होंगी। तो वो ही क्या है? नकलची खरपतवार। जैसे बात करें सरसों का मुख्य खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी। सरसों का क्या है? सत्यानाश। सरसों का क्या कर दिया उसने? सत्यानाश कर दिया। तेलीय फसल है जो तेल को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो सरसों का क्या है? सत्यानाशी। सत्यानाशी में क्या होता है कि सत्यानाशी की जो बीज है, ठीक है ना, सत्यानाशी की जो बीज है ना वो सरसों के बीज के बिल्कुल समान होते हैं। तो अपन बीजों को एक साथ देखें ना तो उसमें ऐसा मानता नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं चलता कि ये सत्यानाशी का बीज है या फिर सरसों का बीज है। यही क्या है? नकलची खरपतवार, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। अब गाइस विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल क्या आएगा। विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेटिक वीड्स। अब यहां पर देखिए गाइस, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? जीरो। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? जीरो या बिल्कुल कम कह सकते हैं। सूक्ष्म का मतलब या तो जीरो या फिर कह सकते हैं बिल्कुल कम। अब यहां पर जो एग्जांपल लेंगे वो कौन सा लेंगे? कासनी। कौन सा लेंगे? कासनी। अब कासनी किसका मुख्य खरपतवार है? चिकोरियम इंटाइवस। और कासनी किस ऋतु का फसल है? किस ऋतु की फसल है? रबी की है, ठीक है गाइस। तो कासनी किसका खरपतवार है? बरसिम का है, आपको पता होगा। अमरबेल किसका है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि अमरबेल जो कसकुट है वो किस फसल का मुख्य खरपतवार? इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं देख लूंगा किसका आंसर राइट है। तो देखिए कासनी किसका खरपतवार है? बरसिम का। अब यहां पर सूक्ष्म का मतलब हुआ जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा कि जो तापमान होगा ना, जो तापमान होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आपको पता होगा कि रबी की फसल है, रबी की फसलों या सर्दियों के समय तापमान क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। तो तापमान क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि सूक्ष्म का नाम आते समझ जाना कि यहाँ तापमान क्या होगा? कम होगा। और तापमान कम कब होता है? रबी की फसलों के समय या फिर सर्दियों के समय क्या होता है? तापमान कम होता है। तो विशेष सूक्ष्म जलवायु में हमने देखा कासनी। कासनी किसका खरपतवार है? बरसिम का खरपतवार है। फसल व खरपतवार संबंध के मतलब लास्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट है ना गाइस, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा और काफी स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो देखिए गाइस, अपन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो आए हैं यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए आए। बहुत ही बढ़िया तरीका, जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको, तो देखिए गाइस समझने की कोशिश करना आप। लास्ट है हमारा सिक्स, परजीवी के आधार पर। परजीवी के आधार पर, अब गाइस देखिए यहां पर एक तो क्वेश्चन में आपने वो आंसर मिल गया। परजीवी, पर का मतलब क्या है? किसी दूसरे जीव पर क्या रहना? निर्भर रहना। उसका हम, उसका आधार क्या है? अन्य जीव। आधार क्या है? अन्य जीव। पर का मतलब दूसरा, जो दूसरों पर क्या रहे? निर्भर है। लेकिन जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना गाइस, ठीक है ना, वो फिर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो कर देगा, वो मेरे लिए इतना करता है, वो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, आपको खुद को शुरुआत करनी होगी लाइफ में। यदि कुछ बेहतर करना है ना तो आपको खुद को शुरुआत करनी होगी। यदि आप दूसरों पर निर्भर हो गए तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास रखिए, ऐसी बात नहीं मैं ये कहूंगा कि विश्वास नहीं रखिए, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि लाइफ में अच्छा करना है तो खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद पर विश्वास करना होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पर परजीविता के आधार पर, अब यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपको ये, फिर आपको ये वाला जो है पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, परत होगी, ये ऊपर मिट्टी होगी। अब देखिए गाइस कोई यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए
मान लिया एच जे है, ठीक है। अब अपन दूर से किसी पेड़ को देखें तो पेड़ एक तो ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, पत्तियों को अपन काउंट नहीं करेंगे, संपूर्ण परत के ऊपर वाले पार्ट को हमने एक नंबरिंग कर दी और नीचे वाले को दो कर दी, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट यहां से यदि इस पेड़ को देखे तो कौन सा पार्ट पहले दिखाई देता है, ये वाला पार्ट दिखाई देता है या फिर ये वाला, मृदा के ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है या फिर मृदा के नीचे वाला, हमेशा कौन सा दिखाई देता है, मुझे तो ऊपर वाला दिखाई देता है क्योंकि नीचे वाला दिखाई कैसे देगा, क्योंकि वो तो मिट्टी की परतों से क्या हुआ ढका हुआ है, तो ये वाला पार्ट हमें पहले दिखाई देता है और ये वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देता। ये बात यदि आपको समझ में आ गई कि कौन सा भाग पहले दिखाई देता है तो मान लीजिए परजीविता के आधार पर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद हो गया और आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि पहले ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, उसके बाद में यदि मिट्टी की खुदाई करते हैं तो फिर नीचे वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको फोर पार्ट में इसको डिवाइड किया है, परजीविता के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर। पहले अपन नाम देख लेते हैं, फर्स्ट है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। अब देखिएगा इस यहां पर पहले हमने क्या लिया, एक होता पूर्ण और एक होता अर्धपूर्ण या फिर कह सकते हैं अर्ध, तो पहले में से कौन सा आता है जो फुल हो पूर्ण हो उसके बाद आधा, ठीक है ना। तो अपन पहले कौन सा लेंगे, पूर्ण तना और पॉइंट क्या है परजीवी, इसके बाद सेकंड पूर्ण ले लिया तो अब कौन सा लेंगे अर्ध, लेकिन साथ में कौन सा लेंगे तना ही, तना और पॉइंट आ गया परजीवी, ठीक है। तने के दो भाग हो गए, पहला पूर्ण हो गया दूसरा अर्ध हो गया, ठीक है। अब लेंगे जड़ के, जड़ में भी पहले कौन सी पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, अब पूर्ण आ गई तो जड़ कौन सी आएगी अर्ध भी आएगी, तो अर्ध जड़ परजीवी, ठीक है। यह है हमारे पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपन एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे। तने के दो पार्ट है और जड़ के भी दो पार्ट है, पहले हम पूर्ण लेते हैं उसके बाद अर्ध लेंगे, जड़ में भी पहले पूर्ण लेंगे उसके बाद में अर्ध लेंगे। अब इसको हमने क्या कर दिया, देगी अपन कोई भी ये मान लीजिए ये हमारा क्या है सामान है, ठीक है। ये क्या है जड़ और तना हमारा सामान है, अपन कोई भी मार्केट में सामान वगैरह लाते हैं तो उसको बैग में डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं बंद कर देते हैं, क्या करते हैं बंद करते गांठ लगा देते हैं, और बंद करने को अपन इंग्लिश में क्या करते हैं क्लोज, तो अपन इस सामान को भी क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, सी एल ओ एस। अब क्लोज का मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल आ गई, क्लोज का मतलब क्या है इसके एग्जाम्पल आ गई, देखिए सी का मतलब हो गया कसकुटा, सी का अर्थ क्या हुआ कसकुटा, एल का मतलब हो गया लोरेंथस, का मतलब क्या हुआ लोरेंथस, ओ का मतलब हो गया ओरोबंकी, ओ का मतलब क्या हुआ ओरोबंकी, और एस का हो गया स्ट्राइगा, एस का क्या हो गया स्ट्राइगा, ठीक है। कसकुटा क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा वो आप देखिए, पूर्ण तना परजीवी का एग्जाम्पल होगा कसकुटा, अर्ध तना परजीवी का एग्जाम्पल होगा लोरेंथस, पूर्ण जड़ परजीव का एग्जाम्पल होगा ओरोबंकी, पूर्ण सॉरी अर्ध जड़ परजीव का एग्जाम्पल होगा स्ट्राइगा। तो इसलिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए, फिर उसको क्लोज कर देंगे, सी का कसकुटा हो गया, एल का लोरेंथस, ओ का ओरोबंकी, एस का स्ट्राइगा। अब देखते हैं कसकुटा रिफ्लेक्सा, अभी मैंने आपको पूछा था कसकुटा किसका मुख्य खरपतवार है, तो किसका है रिंसके का, किसका है गाइस रिंसका का मुख्य खरपतवार कौन सा है कसकुटा, अमर बेल, अमर रहती है उसके जड़ नहीं होती। लोरेंथस किसका होगा आम और चाय, किसका होगा आम का होगा और चाय, ठीक है। ओरोबंकी किसका होगा सरसों का, ओरोबंकी किसका खरपतवार होगा सरसों का, या फिर कह सकते हैं सोलेनेसी कुल, क्या कह सकते हैं गाइस सोलेनेसी कुल, सरसों होगी और सरसों के अलावा सोलेनेसी कुल जैसे टमाटर बैंगन मिर्च इस इन सभी का कुल क्या है सोलेनेसी है। फिर लास्ट स्ट्राइगा, स्ट्राइगा में सी फोर प्लांट है ना, सी फोर प्लांट, मैंने आपको बाजरा का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था सी थ्री प्लांट और सी फोर प्लांट, तो सी फोर प्लांट कौन कौन से, मक्का हो गई, ज्वार हो गया और बाजरा हो गया और गन्ना हो गया, मक्का ज्वार बाजरा और गन्ना ये सभी क्या है सी फोर प्लांट। गन्ने का काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि गन्ना सी थ्री है या फिर सी फोर है, तो गन्ना कैसा होगा सी फोर प्लांट होगा। तो गाइस ये हमने देखा परजीविता के आधार पर चार प्रकार है, क्लोज कर दिया कसकुटा लोरेंथस ओरोबंकी स्ट्राइगा, काफी बार एग्जाम में आपको इसका एग्जाम्पल भी पूछ लेगा, तो रिंसका हो गया, लोरेंथस का आम चाय हो गई, ओरोबंकी का सरसों और सोलेनेसी कुल हो गया, स्ट्राइगा में हमने देखा सी फोर प्लांट मक्का ज्वार बाजरा और गन्ना। तो बस ये हमने देखा खरपतवार व फसल संबंध के आधार पर कुछ इसमें पार्ट थे, सबसे पहले हमने देखा था निरपेक्ष, उसके बाद में देखा सापेक्ष,
निरपेक्ष में क्या, दोनों अलग अलग होंगे, रब्बी प्लस खरपतवार के पौधे होंगे। फिर देखा हमने सापेक्ष में सैसे समान हो गया, रब्बी की फसल में रब्बी का पौधा उग जाना। उसके बाद में नकलची देखा, पौधे क्या करते हैं, नकल करते हैं गेहूं में गेहूं सा और सरसों में सत्यानाशी हो गए। उसके बाद हमने देखा रोगियों या फिर अवांछित, गेहूं की एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी का पौधा उग जाना, जैसे लोग फर्स्ट में HD2329 का पौधा उग जाए। फिर हमने देखा विशेष सूक्ष्म जलवायु में एग्जांपल देखा, सूक्ष्म का मतलब होता है 0 डिग्री यहाँ पर तापमान होगा, और आसनी किसका खरपतवार है, बल्सियम का। लास्ट हमने देखा परजीविता के आधार पर जो इसके 4 पार्ट है, पूर्ण अर्ध तना और जड़, ये फिर क्लोज कर दिया इसको, एग्जाम्पल देख लिया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।